बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे फिंगर चिप्स। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं फिंगर चिप्स कैसे बनाई जाती है, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रहीम, तो पहले आपने ले लेने हैं जनाब ये 3-4 आलू, ये देख सकते हैं। इसको मैंने छील लिया था, तो इसके बाद उसको मैंने धो लिया था। आप जितनी फिंगर फ्राइज बनाना चाहते हैं आप उतनी आलू ले सकते हैं। तो अब हम आलू को काट लेंगे। तो मेरे पास ये वाली मशीन है, ये आप देख सकते हैं ये वाली। अगर आप ये पास आपके पास ना हो तो आप किसी चाकू के साथ या फिर इस तरह की कोई छुरी आपके पास, उससे आप इसको काट सकते हैं। तो मैं इसको मशीन के साथ करूँगा। तो पहले मैं इसके नीचे ये रख दूँगा टोकरी एक, ताकि जो चिप्स हैं वो इसमें आ जाएं। इसके बाद ये आलू एक मैं लूँगा, इसको यहाँ पर रख दूँगा और ऊपर से इस तरह से चला देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई हैं। इसी तरह बाकी कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारी फिंगर फ्राइज को मैंने काट लिया इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल। इसको किसी एक टोकरी में निकालेंगे आदि को, ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद अब हम इनको धोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बॉयल लेना है, इसमें आपने डाल देना है ये पानी, सादा पानी है जो ठंडा नहीं आपने लेना है। ठंडा बस मोटर वाला ठंडा होगा वो बेहतर रहेगा। इसमें डाल देंगे फिंगर फ्राइज, ये देखें। इसको अब हम अच्छी तरह से धो लेंगे, तकरीबन 3-4 मरतबा ये काम अब हम करेंगे। आपको ये काम लाजमी करना होगा, इससे जो हमारी फिंगर फ्राइज वो बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी, क्रिस्पी तैयार होगी। और ये धोने के बाद, इसके बाद आपने फिर इसका पानी चेंज कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट फिंगर फ्राइज इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। तो इसको अब हम धूप में, बाद आपने यहाँ पर पोना बिछा देना। ये मेरे पास कपड़ा है, ये तो इसके ऊपर जो ये फिंगर फ्राइज है ये इसके ऊपर बिछा देंगे। बिस्मिल्लाह, देखिए इसको अब हम सूखने देंगे। तो जब ये सूख जाएंगी, तो सूखने के बाद तो ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी फिंगर फ्राइज है वो खुश्क हो चुकी हैं, ये देखें। इसके बाद अब हम इनको मैदा लगाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं मैदा डालूंगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें आपने पानी नहीं डालना, ये सूखा इस तरह से रहना चाहिए। इसके बाद अब हम इसमें आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रा मिर्च ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो घी वो हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसके बाद अब हम फ्रेंच फ्राइड इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना, तकरीबन कच्ची कच्ची रहनी चाहिए। इसके बाद इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे।
हम इनको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने ज़्यादा नहीं फ्राई करनी, मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद जो बाकी रहेगा उसको हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिंगर चिप्स फ्राई हो चुकी है। अभी इसको आपने खाना नहीं है, तो इसको ठंडा होने के बाद इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो तकरीबन 25-30 अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फिंगर चिप्स है वो ठंडी हो चुकी है, तो इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो घी है हमारा वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसमें फिंगर चिप्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फिंगर चिप्स है वो देखे तैयार हो गए, इसका कलर चेंज हो गया, तो इसको निकालेगा अब हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त तैयार हुई है इसको। देखें माशाल्लाह। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिंगर चिप्स बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसके ऊपर अब हम ये चाट मसाला छिड़क देंगे। ये मेरे पास आमचूर है, तो अगर आपके पास चाट मसाला तो वो भी आप छिड़क सकते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिंगर चिप्स कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसको घर में ट्राई करें, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मरसद खालक दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।